रात के सन्नाटे से हर किसी को डर लगता है। कोई भी सुनसान जगह पर जाना नहीं चाहेगा। धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो दिन में भी सुनसान रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक सुनसान जगह भी है जहां हजारों किलोमीटर तक इंसानों का नामोनिशान नहीं है। इस जगह का इस्तेमाल वैज्ञानिक ही ज्यादा करते हैं। चलिए जानते हैं ये जगह कहाँ पर है। धरती की सबसे सुनसान जगह का नाम पॉइंट नेमो है, जिसकी खोज एक सर्वे इंजीनियर हर्वे लुकाटेला ने साल 1992 में की। इस जगह पर ना तो कोई इंसान है, ना जीव जंतु और ना ही कोई वनस्पति। ऐसे में इस जगह पर स्पेस में खराब हुई सैटेलाइट को गिराया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां अब तक 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स का कबाड़ इकट्ठा किया जा चुका है। यहां हजारों किलोमीटर दूर तक सैटेलाइट्स का मलबा रहता है। दरअसल पॉइंट नेमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है। ये जगह दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। यहाँ किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अगर पॉइंट नीमो से आप सूखी जमीन तलाशेंगे तो सबसे पास का द्वीप करीबन 2700 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर इस जगह से आप 400 किलोमीटर ऊपर की ओर चलेंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर पहुंच जाएंगे। इस तरह इस जगह से जमीन से ज्यादा पास अंतरिक्ष है। वैज्ञानिक भी रहस्यमय आवाजों से डर जाते हैं। जगह के सन्नाटे से किसी की भी रूह कांप जाएगी। साल 1997 में समुद्र विज्ञानियों ने पॉइंट नेमो के पूर्व में लगभग 2000 किलोमीटर से एक रहस्यमय आवाज सुनी। ब्लू व्हेल की आवाज से भी ज्यादा शोर वाली इस आवाज ने वैज्ञानिकों को उलझा दिया। वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए कि आखिर यह शोर किस चीज का है। कुछ लोगों ने इसे दूसरी दुनिया की आवाज माना तो कुछ रहस्यमय मॉन्स्टर की थ्योरी गढ़ने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ चट्टानें टूटती रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंफर्म किया गया कि यहाँ पर आने वाली भयानक आवाजें बहुत बड़ी बर्फीली चट्टानों के टूटने की वजह से पैदा हो रही हैं। बर्फ के टूटने पर पैदा होने वाली फ्रिक्वेंसी ही ये आवाजें बन जाती हैं।